तो गाइज आप देख सकते हैं फुल स्वागत है और बसें भी आई जा रही हैं। तो ये है दिल्ली सफदरजंग, यहाँ से मिलेगी इन सभी यात्रियों को ट्रेन। बाय। तो गाइज सामने ट्रेन खड़ी है, अब यहीं से चले जाएंगे। बाबू जी रेडी? चलो गाइज। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। अभी का सीन कुछ ऐसा है के 8 बज रहे हैं और उठ चुका हूँ मैं, रेडी हो चुका हूँ, मैंने फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, अभी करूंगा ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते, फिर आज का सीन जो है, मतलब व्लॉग जो है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे अम्मा जी और बाबू जी को कहीं पर लेके, वो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा कहाँ पर जाएंगे। तो बने रहो। गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है, ठीक है। गाइज अभी किचन में आ चुका हूँ मैं और मम्मी ने बना दिया रोटी। ओ, बन चुकी है अपनी रोटी यहाँ पर, और शायद कड़ी बनी है ना। तो भाई कड़ी दिखा देते हैं आपको, चलो। तो गाइज अपनी कड़ी बनी है, आज का लंच यही है अपना, ये रोटी बन रही है हॉट केस में भी यारी, और ये मम्मी रोटी बना रही है। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए गाइज, खाना बना है बहुत अच्छा। तो गाइज अभी आपने देख लिया लंच वगैरह, कड़ी और रोटी बन चुकी है। तो अभी यार थोड़ा मैं नहा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्या पूरा ही नहाऊंगा, तो अभी नहा लेता हूँ और फिर मैंने आपको सीन तो बता ही रखा है। अभी जाऊंगा मैं, मतलब 1:30 बजे जाऊंगा अम्मा जी और बाबू जी को लेके, मतलब हम ही जाएंगे, पापा जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, ठीक है, गौरव जाएगा, तो हम सब जाएंगे। आज उनकी तीर्थ यात्रा वाली ट्रेन है ना सफदरजंग से, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, मतलब केजरीवाल की तरफ से जो जा रही है उनमें जाएंगे वो। तो फिर वो आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या क्या हो रखा है, वहां पर ट्रेन का क्या टाइमिंग वगैरह है, वो सब कुछ बताएंगे, और वहां का जो भी सीन होगा वो सब आपको बताएंगे ही। तो अभी नहा धोके रेडी हो जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है, जब जाएंगे तो आपको सारी चीजें बताते हैं। तो गाइज फाइनली अभी नहा लिया हूँ, नहा धोके एकदम सेट हो चुका हूँ, अब करूंगा लंच। लंच मैंने आपको बताया ही था, कड़ी और रोटी बनी है, तो आओ लंच करते हैं। तो गाइज ये अपनी आ गई रोटी, ये कड़ी हो गया, ये वाटर, और ये हो गई प्याज, ठीक है, अब हम लंच करते हैं, फिर लंच करने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइज अभी अपने रोटी वोटी तो खाई लिया है, खाना वाना कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बस गाड़ी एकदम तैयार हो रही है, अभी चलेंगे, दो बज चुके हैं क्योंकि, तो फिर लोड कर देते हैं सामान, फिर उसके बाद आपको सारा सीन दिखाता हूँ जो भी सीन होगा वहां का, और मिलते हैं। हो चुके हैं सब रेडी, गौरव रेडी है ना, चल बैठ फिर, आप हो जाओ रेडी। मोती कदी नहीं मास्क के चक्कर में पड़ो, चलो ले चल नहीं। अभी आ चुके हैं सफदरजंग स्टेशन है, और यहाँ से भीड़ देख सकते हैं आप यात्रियों की, यहाँ से जाएगी ट्रेन और सभी ट्रेन में जाएंगे, एसी वाली ट्रेन है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं दिल्ली सफदरजंग, ये देखो सजा रखा है फुल। अभी उतरवाना बैग वैग, गाइज अभी फाइनली आ चुके हैं स्टेशन पे, ठीक है, और यहाँ सारे देख सकते हो आप यात्री वगैरह भी सब कुछ आ चुके हैं, और ये अपनी दादी जी बाबू जी अभी गए हैं वहाँ पर, गौरव ये रहा, और स्टेशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज आप देख सकते हैं फुल स्वागत है और बसें भी आई जा रही हैं। तो ये है दिल्ली सफदरजंग, यहाँ से मिलेगी इन सभी यात्रियों को ट्रेन,
और जहाँ पर भी इनकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ पर ट्रेन ले जाएगी उनको। तो ये आप देख सकते हैं फुल सजावट के साथ। अब यहाँ से एंट्री होगी, पहले हमें पास लेना पड़ेगा, तो पहले पास ले लेते हैं और ये देख सकते हो आप। तो गाइज अभी एक बीटी हो गई है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी मांग रहे थे यहाँ पर, अब फोटो कॉपी है नहीं तो वो करवाने जानी पड़ेगी। और यहाँ से वो है 1.5 किलोमीटर, तो ऐसे तो जाया नहीं जाएगा, अभी गाड़ी से चलेंगे। बीटी हो गई यार, ये अभी फिल्म ही है, फिर आधार कार्ड अब इनकी फोटो कॉपी करवाएंगे, चलो चलते हैं। तो गाइज जब ज्यादा यात्री हो जाते हैं ना एक जगह से, तो उनके लिए जो है दिल्ली सरकार एक स्पेशल बस करवा देती है, फिर वहां से आ जाते हैं वो। तो ये गाइज दो बसें करवा रखी है उनके लिए, ऐसे बहुत सी बसें आई हैं। तो ये देखो यात्री आ रहे हैं, अभी चलते हैं आगे, आगे का सीन आपको दिखाते हैं। पापा जी आगे कॉपी करवा के आधार कार्ड, जो बीटी थी अपनी ठीक होगी। अब जल्दी से हम पास ले लेते हैं। आ गया बाबू जी के पास, लो बाबू जी। ये आ गया अम्मा जी के पास, चलो अब एंट्री करवाते हैं, फिर एंट्री के वहां पर मिलते हैं। मास्क लगा लो। रुक जा मैं भी ले लूं एक, जा ऊपर वो जो कैमरा सा बना उस पर क्लिक कर दियो। बस कोई दिक्कत ना है। तो गाइज ये अपना सामान तैयार है, यहाँ से पास वास सब ले लिया है, अभी यहाँ पर एंट्री करेंगे। बस यहीं तक जा सकते हैं हम, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी टिकट नहीं है। तो अभी यहाँ से एंट्री करवा देते हैं फिर इनकी। प्लेट वाला बैठना है, ये रहना देख लो। एंट्री नाम है, ठीक है। तो गाइज अपनी एंट्री अंदर नहीं है, अब यहीं से रवाना कर देते हैं बाबू जी और अम्मा जी को, ये जा रहे हैं, बाकी अंदर से ये लेके जाएंगे। बाय। तो गाइज चलो, ये बाकी यहाँ पर अभी चेक हो रहा है कार्ड वगैरह, अब यहाँ से डायरेक्ट एंट्री। और सामने देखो ट्रेन खड़ी है, इसी ट्रेन में जाएंगे। बाय बाय। तो गाइस सामने ट्रेन खड़ी है, अब यहीं से चले जाएंगे। बाबू जी रेडी? चलो गाइस। और गाइस आपको बता दें कि ट्रेन जो है ना वो एसी वाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई कति पायलट हो रहा है। तो गाइस अभी जो है अम्मा जी और बाबू जी को हमने वहां पर बिठा दिया है, ठीक है। तो वहां से ट्रेन वगैरह ले लेंगे वो, जो भी उनकी टिकट का नंबर होगा वो भी वो वहां पर जाके बैठ जाएंगे, बाकी वो हेल्पर तो मदद करेंगे ही। तो बाकी जा रहे हैं रामेश्वरम, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि वो 60 अबव के लिए है। तो केजरीवाल जी की तरफ से जो भी ये स्कीम है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसके तहत जा रहे हैं वो। जो लोग जैसे दूर से आ रहे हैं और वहां से काफी सारे, तो उनके लिए एक हायर बस भी करवाई थी, स्पेशल बस एसी वाली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसी वाली रेडी है भाई। डीटीसी जिस तरह से खा रही है केजरीवाल की तरफ से ही है, वो भी केजरीवाल की तरफ से ही है। तो हाँ भाई तो अच्छा है, और बाकी ये हमारे साथ है भाई। तो भाई बताओ फिर क्या कहने आपके यात्रा के बारे में। यात्रा जा रहे हैं, घर से गए हैं। आपने तो घर से ही गए हैं। हाँ अच्छी यात्रा रहेगी, सुखद रहेगी, अच्छी रहेगी। आने के बाद उनसे पूछा जाएगा कि कैसी है। ये भी सही बात है, आने के बाद पूछा जाएगा। तो बस अभी यहाँ का सीन यही था, अब यहाँ से घर जा रहे हैं, घर जाके आपसे मिलते हैं दोबारा। चश्मा भी उतार रहा है मेरा। घर जाके आपसे मिलते हैं, जब तक देखते रहो ब्लॉग को। इस गर्मी हो रही थी तो सिकंजी ले लिया, अभी सिकंजी पी रहे हैं। बढ़िया है भाई, मजे आ गए।
गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, वहां से आ गए थे दिन में ही, ठीक है। तो बाकी बैटरी की मतलब फोन की जो बैटरी है वो लो हो चुकी थी, तो फिर चार्ज करा फोन और फिर उसके बाद मैं कहीं बाहर चला गया था। तो अभी करता हूँ डिनर, और डिनर में बने हैं आज चावल, तो अपने भाई पुलाव खाएंगे, येलो चावल, ठीक है। और फिर खाने के बाद मैं शायद सो जाऊंगा, तो यहीं पर करता हूँ इस व्लॉग को एंड। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।